एंड स्क्वायरिंग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.9 के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 566.40। 16 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है, 566.40 रुपीस कॉस्ट है। तो हमें 1 मीटर कॉस्ट, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट बतानी है ना, कितनी बतानी है, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट बतानी। सर आप तो कर देते हो क्वेश्चन को, आप तो कर देते हो, बट हमें पता ही नहीं चलता किसमें डिवाइड करना है या किसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको आपको सिंपल फंडा बताता हूँ, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें पता चल नहीं चल पाता बच्चों को कितने किसमें डिवाइड करना है किसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बेटा यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी दी है, 16 मीटर क्लॉथ की वेट दी है और 1 मीटर क्लॉथ की पूछी गई है ना। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ज्यादा का दिया जाए तो कम का पूछे तो डिवाइड करना होता है, और कम का दिया जाए ज्यादा का पूछे तो फिर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। किसका करना, क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो अपन सॉल्व करते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लॉथ देखो 16 into 100 इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। एक जीरो से एक और 16 से इसको डिवाइड करो, 16 से डिवाइड करो इसको या 4 से डिवाइड करो, ठीक है, 4 से डिवाइड करने ज्यादा इजी आएगा है ना। 4 4 16 और 4 1 4 कितना बचेगा, 1 4 4 16 1 और यहाँ पे 4 1 4 ना 2 बचेगा, 4 6 20 तो कितना आया, 1 4 1 6 अपॉन 4 into 10 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 4 3 10 तो बचेगा 4 5 10 20 हो जाएगा, 1 बचेगा 4 4 10 16 तो कितना आ जाएगा, 30 324 अपॉन 10 इसको डिवाइड करेंगे फर्दर, आगे डिवाइड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा है ना, आगे डिवाइड करेंगे डेसिमल लगा देंगे, एक जीरो ना डेसिमल ना लग जाएगा, यहाँ पीछे से एक जीरो ऐड कर जाएगा, तो ये 35.4 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे कॉस्ट का, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या लिखोगे, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 35.4 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज कितना हो जाएगा बेटा, 35.4।